अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल खालिक और आज मैंने कोशिश की कि आपकी जो क्यूरीज़ हैं STS 5 to 15 की जो जॉब्स आई हुई हैं इस वक्त, जिसमें जो है इंटरमीडिएट कैटेगरी और इसके अलावा ग्रेजुएशन कैटेगरी भी है, तो मैंने कोशिश की कि लाइव आकर मैं आपको जो है सारी क्यूरीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, काफ़ी लोग जो है मुझसे पूछते हैं, तो जब लाइव होऊंगा तो आपके जहन में और भी क्वेश्चंस आएंगे, यानी दूसरों का आंसर दूंगा तो आप भी, आपके जो है जवाब भी मिल जाएंगे आपको। तो आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको क्यूरी हो, जो भी आपको सवाल पूछना हो। क्यूरीज़ के अलावा जो मेरे जहन में बातें हैं कि जो आपको मैं बताऊं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो बेसिक चीज़ है कि आपने जो है फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, काफ़ी लोगों का सवाल है कि फ़ॉर्म कहाँ से लें, तो उसके लिए मैंने कहा कि काफ़ी सोर्सेज मिल जाएंगे आपको, लाजमी नहीं कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या मुझसे ही लें, आप काफ़ी आपको सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आपको ये फॉर्म मिलेगा। अदरवाइज़ मैंने अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी आप काफ़ी मेंबर्स हैं जो कि ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो मैंने उनके साथ जो है फॉर्म शेयर कर दिया है। उसके बाद के फॉर्म फिल कैसे करना है, तो फिल करने में कोई मतलब हार्डनेस नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, अपनी जो है इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके अलावा उसके उसमें ऑप्शन आते हैं डिपार्टमेंट और जो है पोस्ट का नाम, तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि डिपार्टमेंट क्या और पोस्ट का नाम, तो डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट की जॉब आ रही है, जो अभी जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और उसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो है सेक्रेटरी की और BPS 11 है, तो ये तीनों कॉलम जो हैं ये तीनों स्पेसेस इससे फिल होंगी। बाकी उससे अलावा एडिशनल चीज़ें जो होंगी वो तो आपकी मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा आपने साइन करना है और आपका ये प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फर्दर मोर जो चीज़ है, अगर आपका ये फॉर्म फिल हो जाता है, फिर आपने जो है डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करने हैं और कौन से अटेस्ट करने हैं, ठीक है, तो अटेस्टेड करने के ये काफ़ी लोगों को बहुत से सवाल हैं कि अटेस्टेड कहाँ से करवाएं, कैसे करवाएं, कोई है नहीं तो कैसे भेज दें, तो अटेस्टेड जो भी होते हैं डॉक्यूमेंट्स वो तो या तो 17 ग्रेड का कोई ऑफिसर हो, गजेटेड ऑफिसर, या फिर 18 है 19 हो, तो वो लोग जो है आपको तो यहाँ पर अभी क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैं आपको आपके साथ जो है शेयर करना हूँ। सर, पोस्ट में अप्लाई करने के लिए इंटर का पक्का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या पास सर्टिफिकेट से काम चल सकता है? जी बिल्कुल, अभी अगर आपका इंटरमीडिएट का पक्का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो अभी आप अगर पास सर्टिफिकेट पे करेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा सवाल है कि ब्रदर, मेरा सवाल ये है कि सुनने में आया है कि सेक्रेटरी की पोस्ट से रेट लग चुके हैं एंड पैसों में मिलेंगी पोस्ट, इससे डीमोटिवेशन हो रही है कि पता नहीं हमें मेरिट पे मिलेंगी या नहीं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी कि जिसमें मैंने मेरा टाइटल ये था करप्शन और जो फेयर जॉब्स, तो देखें अभी जो वैकेंसीज़ हैं इतनी कम नहीं कि आप जो हैं
उसमें आपको ये लगे कि उस पर डीमेरिट होगी या उसके जो मतलब पोस्ट हैं बिक जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो है मेरिट चल रही है। मैं आपको बताऊं, मेन चीज़ जो है अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले तो समझो मेरिट पक्की है। इलेक्शन के बाद का कोई सीन हो तो वो उसके बाद होगा, लेकिन अभी जो है मेरिट पक्की है। और कोशिश आप भी कोशिश करें, अब 1000 वैकेंसी थी, अगर उसमें से 10-12 बिक चुकी होंगी तो बाकी तो सब बची होंगी ना, तो या 15-100 भी बिक चुकी होंगी, फिर भी उसमें 800-900 तो बचेंगी ना। इससे ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो आई हुई है। उसके बाद बाकी एडवर्टाइजमेंट आएंगी जिसमें आपको दूसरी और वैकेंसीज होंगी जिसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद असलाम अली बेटी का, वालेकुम सलाम। फिर है हरीश कुमार, वेलकम सर, थैंक यू हरीश। उसके बाद है पीशियस कल्पना, आपका सलाम। प्लीज़ आप थोड़ा गाइड करेंगे कि जीके का पोर्शन अगर स्टार्ट करना हो तो शुरू कहाँ से करें, जीके जनरल नॉलेज का पोर्शन अगर स्टार्ट करना हो। अच्छा, करंट अफेयर जनरल नॉलेज अगर आपने स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन जो हमारी हमारी जो टेस्ट होती है ना, तो उसमें ये होता है कि हमारी बेसिक जो होती है वो सोशल साइंसेज, जिसमें सोशल स्टडीज़ या पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाती हैं, यानी पाकिस्तान 1857 से लेकर 1857 में पहली जंग आज़ादी हुई, उसके बाद फिर जो है अलामा इकबाल, कायदे आज़म, और जो 1906 के 6 में मुस्लिम लीग, और उसके अलावा फिर जो है अलामा कायदे आज़म का ज्वाइन करना मुस्लिम लीग, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वह टिल द 2000 तकरीबन 1973 के आइन तक ये चीज़ें होती हैं, जो कि जनरल नॉलेज में काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी जो है टेस्ट में MCQs होते हैं। उसके बाद ये है कि फर्दर मोर जनरल नॉलेज लिमिटेड नहीं है, फर्दर जनरल नॉलेज बहुत ही वसी चीज़ है, यानी अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो उसमें फिर जनरल में साइंस भी आ जाती है, जनरल सोशल साइंसेज, एनवायरमेंटल, तो मतलब जिसमें भी आप नॉलेज हासिल करना चाहें तो वो आप करेंसीज़ कंट्रीज़ की हो गई, उसके अलावा जो हैं फिर करेंसीज़ के जो है कैपिटल्स हो गए, करेंसीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें। अच्छा सर, सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कितनी मार्क्स वाले सेफ जोन में हैं जिनके अच्छे चांसेस हैं मिलने के? तो मैं बताऊं कि इसमें अगर 50+ मार्क्स हैं आपकी तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो जॉब लग सकती है, 50+ अगर आपकी मार्क्स हैं। 40 वाले लेकिन 40 वाले भी ऑप्शनल हैं, अगर वो अच्छा इंटरव्यू दे देते हैं और उनकी जो है पिछली मार्क्स भी अच्छी हैं इंटरमीडिएट या मेट्रिकुलेशन में उनका अच्छा रिज़ल्ट है तो वो भी सेफ जोन में है, ठीक है। यानी जो भी पास है तो उसको उम्मीद रखनी चाहिए कि हो सकता है, अलबत्ता कोशिश सबको करनी है। उसके अलावा एक और कुछ क्वेश्चन है कि SST की जॉब्स के हवाले से पूछ रही हूँ। जीके जॉब्स, अच्छा SST की जॉब्स के हवाले से। अच्छा, मेरा जो आज का ये सेशन था वो STS के हवाले से था। SST के हवाले से ये जो मैंने बताई ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा SST के हिसाब से मैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया है, क्या नाम, कल्पना जी, अगर आपने वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सेंड भी की हैं ऑलरेडी फाइल्स, और अभी काफ़ी न्यू मेंबर्स आए हुए हैं तो उसमें मैं दोबारा वो सारी चीज़ें जो फाइल्स हैं PDF फाइल्स हैं सेंड कर दूंगा, और उसके अलावा मैं सारी आपको आउटलाइन बता दूंगा कि किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, SST के हवाले से। कॉन्सीडेंट मैन मेरी 73 हैं, अलहमदुलिल्लाह 73 हैं, तो बस फिर इंशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह कोशिश करें तो आपका डॉक्यूमेंट सही से जो मैंने बताए हैं इसी तरह इसी पैटर्न में, और उसके अलावा इंटरव्यू में भी कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, तो फिर यह हो सकता है आपकी जॉब हो जाएगी। अच्छा, आप कोशिश बोल रहे हैं कि ऐड होने का काफ़ी लोग ऑप्शन दे रहे हैं, तो ऐड अगर होना चाहें तो ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तो मैं इसको कंटिन्यू
करता हूँ जब तक कोई और नेक्स्ट सवाल आ जाए। तो बेसिक चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया। डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो NIC आपका, NIC के बाद जो है आपका एकेडमिक, जिसमें मेट्रिकुलेशन आता है, इंटर आता है, और जो है अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो, और उसमें मार्कशीट भी लेनी है, और उसके अलावा उसका सर्टिफिकेट भी उसमें होना चाहिए। और ये करने के बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपका डोमिसाइल, PRC, PRD, ये तीनों अटैच कर लें। और उसके बाद ये अटैच करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स के बाद, फिर नेक्स्ट चीज़ जो है, दूसरा चीज़ है फोटोग्राफ जो आपने लगाने हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए बैक साइड से। अच्छा और बाबा आवाज आ रही है? नहीं आ रही, तू चेक कर लाइव है। आवाज तो आगे नथी अचे तो तव्हां ॿुधायो कमेंट में, छो त अचे थी। ठीक आ, अच्छा फर्दर मोर डॉक्यूमेंट्स की गाल पे क्यों, डॉक्यूमेंट्स बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स में कौन सी चीज़ें, ये चीज़ें हो गई, उसके अलावा फोटोग्राफ्स बैक साइड से अटेस्टेड भी होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड होना चाहिए एक्सेप्ट अगर आपका जो मेन फॉर्म है जो आप फिल करते हैं बाय हैंड, जो मैंने आपको दिखाया अभी कैसे बाय हैंड फिल करना है, वो छोड़ के, और आपकी रिजल्ट जो है मतलब स्क्रीन शॉट है उसको छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्टेड करने हैं। उसके अलावा ये आपने पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने आपको एड्रेस बताई है, सेक्रेटरी सिंध गवर्नमेंट, सेक्रेटरी सिंध नंबर 5 कराची, इस एड्रेस पे आपने जो है डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए कोशिश करें कि पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू करें, क्योंकि वो एक सस्ता और जो है अच्छा प्रोसेस है। TCS पे जाएंगे तो आपसे, अगर आप सक्कर से हैं या हैदराबाद से हैं तो आपसे 250-300 लेंगे, लेकिन अगर आप TCS के थ्रू, और इसके पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू करते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, और ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप चालान से तंग हैं, और अभी सर्टिफिकेट भी आने वाला है, तो शायद फिर सर्टिफिकेट की, इंटरमीडिएट की फीस भी कोई हो, तो इस पे कोशिश करूंगा मैं कि उसके खिलाफ हम कुछ आवाज़ बुलंद करें, लेकिन आपका साथ चाहिए होगा कि सर्टिफिकेट की फीस एक दफ़ा हमने पे कर ली, चालान पे कर लिया, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट वगैरह पे करना, तो हम तो इसी चक्करों में। अच्छा कोई और क्वेश्चन, सवाल आए? अच्छा कमेंट में मैं जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, आप ज्वाइन कर लेंगे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी सेंड कर दी है। उसके अलावा जो है आपने जो है कैसे फॉर्म जो है किस तरह फिल करना है, और जो है आपने डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है उसकी जो वीडियो मैंने बनाई है वो, उसकी लिंक भी मैंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। फर्दर मोर मैं कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप पे भी एक दफ़ा लाइव आ जाऊँ, कॉल में, वॉइस कॉल पे, ताकि वहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग अवेलेबल होंगे, यहाँ पर अभी फेसबुक पे काफ़ी लोग अवेलेबल भी नहीं होंगे, और उसके अलावा यहाँ पर आप कमेंट करते रहें और कोशिश करें कि ये वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। तो बस मैं एक लास्ट में सारा इंट्रोडक्शन दे दूं, आपने, आपको बता रहा था स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका पक्का सर्टिफिकेट नहीं आया तो आपका जो अभी सर्टिफिकेट मौजूद है वो लगाना है, और उसके अलावा सारी डिग्रीज अटैच करनी है और अटेस्टेड करनी है, अटेस्टेड अटैच करनी है, उसके अलावा फोटोग्राफ्स लगाने हैं, एक ग्लू से लगा, एक उसके एक साइड से जो है आप लगा दें, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपने ये करना है कि डॉक्यूमेंट अटैच करके, अटेस्टेड करके, फिर वो एक सेट बनवा के, कोशिश करें कि आप अभी जो सेट बनवा रहे हैं ना उसकी 2-3 और कापियां करवा के अपने पास रखें, क्योंकि बहुत सी अभी दूसरी वैकेंसीज आने वाली है, जॉब्स आने वाले इंटरमीडिएट की, जो कि मैं अनाउंस करने वाला हूँ, ठीक है। कल मैं आपको, या आज शाम तक मैं आपको वो जॉब्स भी जो है बता दूंगा कि कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं, उसके मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएंगी, फिर उसमें भी आप अप्लाई करेंगे तो एक 2-3 सेट्स अपने अपने पास बना के रखें। ये करने के बाद सारे अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, एक आउटलाइन बनाएं कि आपने कौन सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं, अगर रेडी कर लिए हैं तो उसके बाद जो है आपने जो है सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए TCS का मैंने आपको पाकिस्तान पोस्ट का ऑप्शन बताया, तो वहाँ पर सबमिट करें।
सबमिट करने के बाद आपको वहाँ TCS की रिसिप्ट मिलेगी, वो रख लें अपने पास। फिर इंशाल्लाह ये जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है 15 डेज के बाद आपका, उसके बाद जो है आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू के हवाले से मैं एक वीडियो बनाने वाला था कि इंटरव्यू भी बहुत करीब है, जल्दी जल्द इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो उसकी मैं अपडेट आपको दूंगा कि किस तरह जो है क्या, उसके अलावा डेमो वीडियो भी मैंने बनाई है कि इंटरव्यू किस तरह के होते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, नए हैं, इंटरमीडिएट अभी की है या फिर जो है मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चल रहा है, तो मैंने कोशिश की है कि उनको एक पैटर्न बताऊं जिन्होंने पहले इंटरव्यू नहीं दिया, उसकी मैंने डेमो वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको लिंक शो हो रही होगी, तो वो लिंक भी आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह आपने एक अच्छे अटायर में और अच्छे तरीके से इंटरव्यू देना है ताकि आपकी जो है सिलेक्शन यकीनी बने, ठीक है। अगर आपकी अच्छी मार्क्स हैं और आपकी इंटरमीडिएट है और उसके अलावा कम्युनिकेशन भी अच्छी है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी कि आप ये जॉब ले सकें। ठीक है, तो फिर मैं आप अभी जो है सेशन को अपने को एंड करता हूँ, ठीक है। अगर फर्दर मोर आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं तो मैं कोशिश करूंगा फिर 24 आवर्स तक आप इस पे कमेंट करते रहें, जो भी आपका सवाल हो इस पे कमेंट करते रहें, मैं इसको इसका भी आपको जो है रिप्लाई दूंगा। या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा जो है लाइव आ जाऊँ और आपकी जो है सारे साइड क्यूरीज के जो आपको जवाब दूँ। अल्लाह हाफिज़।